हालिया होने वाली बारिशों ने तबाही मचा दी। जलालपुर, भटिया और गिरदनुमा में बारिशों के बाद ना सिर्फ गंदम की फसल को नुकसान हुआ बल्कि गंदम की फसल मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो गई, जिससे गंदम की फसल की पैदावार कम होने का खतरा पैदा हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में गंदम पर 200 से ज्यादा बीमारियां हमलावर होती हैं, जिनमें पाकिस्तान में 50 के करीब बीमारियां रिपोर्ट हुई हैं। ये मुख्तलिफ किस्म की फंगस, बैक्टीरिया और वायरस या नेमाटोल की वजह से ये बीमारियां बनती हैं। इनमें खासतौर पर जड़ की बीमारियां, पत्तों की बीमारियां, सिट्टे और बीज की बीमारियां शामिल हैं। इस वक्त वाहत बीमारी भूरी कंघी, जिसका हमला पंजाब भर में हो चुका है। इस बीमारी की वबाई सूरत पैदा होने पर पैदावार में नुमाया कमी आती है। बाजुकात पैदावार में 50% तक की कमी हो सकती है। काश्तकार का कहना है कि हालिया बारिशों के बाद गंदम की फसल पर मुख्तलिफ बीमारियों ने हमला कर दिया है। गंदम की बीमारियों में ये जो रस्ट की बीमारी है, ये ज्यादा खतरनाक होती है। इससे पैदावार बहुत ज्यादा मुतासर होती है। 20% से लेकर 70% तक फसल कम हो जाती है पैदावार, और ये बीमारी एक एक फसल से दूसरी फसल तक हवा के जरिए लग जाती है। इसका इलाज बेहतरीन यही होता है कि गंदम के बीज को दवाई लगाई जाए, फिर बीमारी आने से पहले गोब की हालत में इस पर स्प्रे किया जाए। दूसरी जानब हुकूमत की जानब से किसानों के लिए देर रात रिलीफ के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं किया जाता। किसी दौर में हुकूमत की जानब से हेलीकॉप्टर के जरिए मुख्तलिफ बीमारियों के अदरा के लिए मुफ्त स्प्रे किया जाता था, जो अब नहीं है। काश्तकारों ने हुकूमत वक्त से गंदम की फसल के नुकसान का अजाला करने का मुतालबा किया है। कैमरा मैन गुलाम हुसैन बूटा के साथ बाबर शेर कांजू, सिटी न्यूज, जलालपुर, भटिया। हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।